फाइनली इंतजार खत्म हुआ और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का पहला ऑफिशियल ट्रेलर कल हमें देखने को मिल गया। और जब से ये ट्रेलर आया है मेरे मन में कई सवाल थे और आई एम श्योर जिसके जवाब मुझे मूवी रिलीज होने के बाद ही मिलेंगे, पर वो फीलिंग जो मुझे फील हुई इस वीडियो के थ्रू आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष्मान और हाजिर हूँ आपके सामने मैं लेकर अपना ढेर सारा ज्ञान। मूवी के ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमको माइल्स मोरेल्स की मदर रियो मोरेल्स के साथ एक कन्वर्सेशन सुनाया जाता है और उसके बीच बीच में स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की जर्नी के कुछ स्पेशल मोमेंट्स को भी हमें दिखाया जाता है। माइल्स की माँ उसको कहती है कि वो अपना ख्याल रखे और माइल्स कहता है कि आज के जमाने में ऐसी बातें कौन करता है, और वो उसे कहती है कि बचपन से उसने अपने बेटे को जो प्यार दिया है वो शायद ही उसको दुनिया में बाहर कहीं मिलेगा। तो वो उसे कहती है कि प्रॉमिस करो कि अपने अंदर के बेटे को भूलने नहीं दोगे और ना ही भूलने दोगे अपनी उस जगह को जहां से तुम बिलोंग करते हो। स्पाइडरमैन की खास बात तो यही है कि वो ऑडियंस से सबसे जल्दी इसलिए कनेक्ट हो जाता है क्योंकि वो खुद अपनी जड़ से जुड़ा हुआ है। चाहे वो पीटर बी पार्कर हो या फिर माइल्स मोरेल्स या फिर कोई भी स्पाइडरवर्स का स्पाइडरमैन, सबकी अपनी अपनी एक अलग जर्नी है, अपनी प्लेस ऑफ ओरिजिनलिटी है जो उसको महान बनाती है। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में हमको माइल्स मोरेल्स की जर्नी दिखाई गई थी और माइल्स का इंट्रो पहली बार हुआ था स्पाइडरवर्स से, और फिर कुछ बड़े खतरों का सामना करने के बाद ही रियलाइज हिज रिस्पांसिबिलिटी, जैसा कि सारे स्पाइडरमैन के लिए कहा गया है कि महान शक्तियों के साथ आती है महान जिम्मेदारियां, और वो जिम्मेदारी माइल्स के लिए इस मूवी में बहुत ज्यादा वाली है। इस ट्रेलर में माइल्स मोरेल्स के साथ बहुत सारे स्पाइडरमैन हमको दिखा दिए गए हैं, चाहे वो स्पाइडरमैन 2099 हो या स्पाइडर वुमन हो, स्पाइडर पंक, स्पाइडर पुलिसमैन या स्पाइडर अनलिमिटेड वाला स्पाइडरमैन हो। बस हमको ट्रेलर में इतने सारे स्पाइडरमैन में पवित्र प्रभाकर स्पाइडरमैन इंडिया नहीं दिखाया गया है, जिसको शायद मूवी में एक्सक्लूसिवली दिखाया जाएगा क्योंकि इसके बारे में सोनी काफी टाइम से बात कर रहा है सोशल मीडिया में। और एंड में सारे स्पाइडरमैन अपने माइल्स मोरेल्स को दौड़ा रहे हैं, भगवान न जाने क्या माइल्स ने ऐसा कांड किया है, क्योंकि इस सारे स्पाइडरमैन की आपस की इस भसड़ में इस मूवी के मेन विलन द स्पॉट को हम रहे हैं, जिसके पास भी इंटर डायमेंशनल स्पॉट्स के थ्रू अलग अलग डायमेंशन में जाने की पावर है और इसको अभी भी ट्रेलर से हटाया हुआ है, और वो भी जानबूझकर। वो क्यों, वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही समझ में आएगा। लेट्स सी क्या बवाल मचने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा कांड इस मूवी में होने वाला है, तभी तो सारे स्पाइडरमैन आपस में ही जूझ रहे हैं। क्योंकि इसी बीच ग्वेन स्टेसी भी कहती है कि हम सब तो अच्छे लोग हैं ना, यानी कि वो खुद ही कंफ्यूज है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है या इन सारी स्पाइडरवर्स की भसड़ के पीछे द स्पॉट का हाथ है। खैर जो भी हो, अपन तो उस मूवी का वेट कर रहे हैं जो जून 2023 में रिलीज होने वाली है। हालांकि लास्ट स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें जो स्पाइडरमैन के एडवेंचर्स देखने को मिले थे वो हमारे लिए एक माइलस्टोन से कम नहीं। स्पेशली नो वे होम में तीन स्पाइडरमैन को एक साथ जब हमने फाइट करते देखा तो वो सीन आज भी भुलाया नहीं भूलता। और अब इस एनिमेटेड सोनी पिक्चर्स की अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में तो बवाल मचने वाला है, क्योंकि हमको इसमें एक दो तीन नहीं बल्कि इतने स्पाइडरमैन देखने वाले हैं जिनको गिनते गिनते हम थक जाएंगे। तो दोस्तों, आप बताओ कि आपकी क्या राय है इस मूवी को लेकर, आप भी उतने ही एक्साइटेड हो जितना कि मैं? अगर हाँ तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, फिर से मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।